नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पूरे देश में मौत का सिलसिला लगातार जारी है और हर तरफ चीख पुकार मची है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं है। सारे नेता, प्रतिनिधि, अधिकारी चुप हैं और मरीज के परिवार वाले गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी तरह का नजारा दिल्ली में देखने को मिला, जब एक मरीज के रिश्तेदार ने आप बीती सुनाई। आप सुनिए एक भाई का दर्द, जिसने अपनी बहन को खोया। क्या कह रहा है भाई, अंदर तक आप हिल जाएंगे। इसीलिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, आपको ये दिन ना देखना पड़े, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 15 मिनट लगेंगे डॉक्टर के पैर पकड़ने के बाद। पैर पकड़े मैंने डॉक्टर के, कहते आप गंगाराम ले जाओ। गंगाराम लेके आए 20 मिनट के बाद, गंगाराम कपूर से 20 मिनट के बाद कोविड वार्ड के बाहर। मैंने टीचर डॉक्टर साहब को बोले, मैं डॉक्टर साहब एक बार देख लो, 15 मिनट बाद आए। वो बोले जी इसमें सांस नहीं बचे, अब बीएल कपूर में सांस थे, यहाँ सांस नहीं बचे। 20-25 मॉर्चरी में भी नहीं रखने से मना कर दिया। हमारे पास नहीं, कहते हमारे यहाँ थोड़ी हुई है। अब बताओ कहाँ रखेगा आदमी, घर में ले जा नहीं सकता। 50,000 रुपए दिए एम्बुलेंस वाले को बॉडी रात तक रखने के लिए, रात को सुबह तक रखने के लिए। कहाँ रखोगे आप, मॉर्चरी से मना कर दिया। मॉर्चरी नहीं, कहाँ लेके जाए बताओ बॉडी को। कोविड सस्पेक्ट बन गई हॉस्पिटल में आके मरने के लिए। उसका कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो कोविड सस्पेक्ट बन चुकी है। तो आज रात से कल तक क्रीमेशन होने तक के लिए 50,000 रुपए एम्बुलेंस बुलाई गई है। 50,000 रुपए की एम्बुलेंस बुलाई है कल सुबह 9 बजे तक के अंतिम संस्कार के लिए। सर मतलब आप कहाँ के, दिल्ली के ही रहने वाले हैं? मेरा करोलबाग में, मेरी सिस्टर करोलबाग में रहती थी। मैं प्रशांत विहार का, जिनकी डेथ हुई है वो करोलबाग संत नगर थी, मेन रोड के ऊपर। एज कितनी थी? 50 साल। नाम क्या था सर? बबीता गुप्ता। मतलब बीएलके से भी एडमिट नहीं किया? बस उसको बुखार था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिंपल बुखार, बस नॉर्मल उसको बुखार था, बुखार उसका उतर गया था। आज उसका बीपी डाला गया कि बुकिंग के लिए 4 दिन का टाइम दिया उन्होंने। पैथ काइंड के ऊपर बुकिंग डाली थी जी, 4 दिन के अंदर भी पैथ काइंड वाला बुकिंग के लिए नहीं आया। 25% 30% कह रहे हैं। पैथ काइंड की बुकिंग नंबर है मेरे पास, अगर आप कहोगे पैथ काइंड की बुकिंग का नंबर दे दूंगा। 4 दिन में भी सैंपल नहीं उठाया। ऐसी दिल्ली में रह रहे हम लोग कि हम लोग लेबोरेटरी बना रखी है। किस चीज की लेबोरेटरी बना रखी है जब 4 दिन के अंदर एक सैंपल नहीं उठेगा? ऑनलाइन सैंपल डालो, देते नहीं है। 4 दिन पहले आप लोगों ने टेस्ट कराया था और टेस्ट नहीं की, उठाई नहीं, सैंपल ही नहीं उठाया। होम कलेक्शन डालते नहीं है, होम कलेक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोगों ने। मोटे मोटे 10 दिन पहले हम लोगों ने।